सामने किस्सा रहेगा श्री कृष्ण जन्म से। उस समय की बात कि जब उस मथुरा की जेल में श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है, मेरे मेहरबानों, आज सात पुत्रों को खोने के बाद में वो देवकी भगवान से प्रार्थना करती है कैसे ही मेरे आठ में पुत्र को बचा लेना। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आठ में पुत्र के रूप में स्वयं भगवान धरती पर आए हैं। साथियों, जैसे ही जन्म लेते हैं काली अंधेरी रात में वर्षा शुरू हो जाती है। ऐसी माया फेरी ईश्वर ने, सभी पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं और सारे बंधन बेड़ियां खुल जाते हैं। फिर क्या था, आज प्रार्थना करती हुई मां देव की वासुदेव जी से कहती हैं कि महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कैसे ही मेरे इस पुत्र को बचा लीजिए। लेकिन इस काली रात में इस पुत्र को लेकर कहां जाऊं मैं। देव की कहती है कि मैं यमुना पर एक दिन गई थी तो वहां यशोदा से मेरी बात हुई थी, आप मेरे पुत्र को वहां छोड़ आना और उसकी संतान को ले आना। लेकिन वासुदेव जी डरते हुए कहते हैं कि ऐसी अंधेरी घनी बरसात में मैं कैसे जाऊं। लेकिन माँ की ममता बड़ी अजीब बताई है, प्रार्थना करके आज मना लेती हैं और छाद में डर के भेजने के लिए कहती हैं। तो क्या सवाल जवाब यहाँ के होते हैं दोनों के, बड़ी प्यारी बात सुनेंगे किस तरह से। काली अंधेरी रात झुकी जल बरसे मूसल धार, कैसे देव तरुण जमाना के पार, कैसे देव की तरुण जमाना के पार। काली अंधेरी रात झुकी जल बरसे मूसल धार, कैसे देव की तरुण जमाना के पार, कैसे देव की तरुण जमाना के पार। कहते हैं वासुदेव जी, याना कंवर कन्हैया है ये मौसम ठीक नहीं सेरी, काटे विकट कंकर पत्थर गोकुल नजदीक नहीं सेरी, मेरी बात जो ठीक नहीं, मेरी बात जो ठीक नहीं से कर ले तू विचार, तेरी कहने तने सब कुछ करने ने प्यार, कैसे देव की के पार। पियाजी अब घबराइए मत, जब ये बेड़ियां बंधन सब खुल गए हैं तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे, आप बस जाने की तैयारी कीजिए।
जाएंगे पिया मत मन में घबराओ तुम। मेरे कंवर कन्हैया ने पिया गोकुल में पहुंचाओ तुम। अब मत देर लगाओ तुम हो, अब मत देर लगाओ तुम और रहना तुम होशियार। कद वो जाग जा कंस के पहरेदार, कैसे देव की उतरू जमना के पार। बात सुनकर के वासुदेव जी जाने की तैयारी करते हैं, अपने पुत्र को बार बार चूमते हुए किस तरह से छाद में रखते हैं। जय हो वंशी वाले की। जाना पुत गोद में लेके राजी हो पुचकारा था, सुन देव की बात मर्द ने दिल में धीरज धारा था। धर के बोझ छाज का भाई, धर के बोझ छाज का भारी सुमर श्री करता। वासुदेव जी आ पहुँचे यमुना की पार, कैसे देव की उतरू जमना के पार। जमुना जल में साफ तिरोगे हलका वजन करूंगी मैं, थारी ओढ़ का सदा भरोसा पूरा सजन करूंगी मैं। इतने आओ भजन करूंगी, इतने आओ भजन करूंगी, सुनो मेरे भरतार। कह रघुनाथ रचा माया संसार, कैसे देव की उतरू जमाना के पार। काली धारी रात झुकी चढ़ो बरस मुसर धार, कैसे देव देव की।